हम बात करेंगे वाईफाई सेंसर के बारे में। ये देखिए वो हमारा, इसको आप ध्यान देखिए, वाईफाई सेंसर है ये। वाईफाई सेंसर देखिए यहाँ पे लिख रहा है ESP8266MOD मॉड्यूल, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे जो है ना हम कनेक्ट करेंगे एक लैंप को, कि हमें क्या होता है जब हम सोते होते रहते हैं तो हम बिस्तर पर से उठते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है ना, तो हमारे मोबाइल से कंट्रोलिंग करेंगे। तो उसके लिए कैसे कैसे करेंगे देखिए, हमने देखिए इधर पूरा सिस्टम इसका पैनल बना रखा है। ये देखिए इधर इसका पूरा है, ये पिन हम कनेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद इसको रिले से करेंगे, रिले से करेंगे तो उसके लिए, रिले से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए सर्किट इसका। देख रहे हैं D4 को कनेक्ट किए हैं, उसके बाद ग्राउंड को कनेक्ट किए हैं, बाकी से D0 D1 में से कोई आप एक भी कोई कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो हम इसके D0 से और D4 से और ग्राउंड से तार ले जाके, उसका देखिए हम इसके बाद एक रिले लगा रखे हैं यहाँ पे, देखिए कनेक्ट करके। तो उस रिले को आपको दिखा दें, इसमें देखिए दो रिले हैं, ठीक है। एक रिले इधर है इतने, ये देखिए एक रिले इधर है, एक रिले उधर है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं। रिले का क्या होता है, काम जो होता है, अगर आप आपको मैंने पिछले वीडियो बना रखा है रिले, देखिए क्या होता है। इसमें देखिए लिख रखा है दो रिले मॉड्यूल। उसके बाद रिले में देखिए हमने क्या कर रखा है, एक सप्लाई दे रखी है रिले का। इसमें ये वाला रिले हमारा ख़राब हो गया, इसलिए हमने उस रिले से सप्लाई दे रखी है। उसका इधर देखिए, यहाँ से देखिए आप एक तार है, देखिए हम ना सीधा लैंप पे से जोड़ दिए हैं यहाँ पे, देखिए इस चीज़, और एक तार सीधा रिले को ले जाकर उससे इसी सप्लाई से जोड़ दिए हैं। बाकी दूसरा तार लैंप को हम फिर हम एसी सप्लाई दे दिए हैं। ये देखिए हम एसी सप्लाई से इधर कनेक्ट कर रखे हैं, इधर देखिए कनेक्टर लगा रखे हैं, इसको हम देखिए कनेक्टर से कनेक्ट कर रखे हैं, ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए रीसेट पैन लिखा है, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रीसेट पैन है। इसमें हम करते हैं क्या, पहले प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक आर्डिनो आईडी नाम का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम इसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसमें हम जो है मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग हमने नॉर्मली ऐसे, क्योंकि हमें C++ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमने क्या किया, गूगल पे गया, वहाँ से कॉपी किया। उसके बाद कॉपी करने के बाद अपना जो वाईफाई का जो SSID करके जो पासवर्ड नेम था, वहाँ से मैंने उठाया, उसको कॉपी कर दिया, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद वहाँ से हमें आईडी मिली, आईडी जो मिली हमारी वो आईडी देखिए है, देखिए 192.6168.131.216 नाम की आईडी मिली। इस आईडी को हम अपने क्रोम पे ले जाने के बाद हमने क्या किया, इसको आप जब डालोगे क्रोम पे ना, तो खुल के ऐसा स्विचिंग टाइप का आ जाएगा। अब देखिए हम इसको कंट्रोल करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए लैंप हमारा ऑफ है, आप ध्यान से देखिए लैंप हमारा ऑफ है ना। हम जैसे जिसको इसको ऑन करेंगे तो देखिए लैंप हमारा जल जा रहा है, ये देखिए देख रहे हैं आप, अगर आप देख पा रहे हो तो। और यहाँ पे देखिए रीडिंग भी आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पता चल रहा है इसकी सप्लाई आ रही है। यहाँ पे क्या है, एक NO NC और कॉमन होता है रिले में। रिले की वर्किंग मैंने आपको पीछे बता रखी है, ठीक है, ये इसकी वर्किंग और सिस्टम है, और बाकी उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें बेनिफिट हमारा क्या है, आप इसको अपने घर में ना, जैसे आप क्या है कि गांव में या कहीं पे भी हो, बिस्तर से लेटे हो, आपको इसको इससे आप यूज़ करके ना, देखिए हमारा जो इसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूँ, ये 100 रुपये का हमारा है, ये हमें कॉलेज से मिला था सेंसर ना, वाईफाई सेंसर। देखिए पहचानने का तरीका जान लीजिए, ये देखिए फिगर और देखिए वाईफाई से लिख रखा है इसका हमारा। हम कुल मिला के 100, अगर कुल मिला के 400 से 500 रुपये खर्चा करें, 400 से 500 रुपये में ना हम अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे हम क्या होता है कि हम नींद हमारी आँख लगी हुई है, रात में हम जगे अचानक से, तो हम अपना मोबाइल उठाते हैं तो आराम से मोबाइल से हम LED मतलब इसके ज़रिए देखिए जैसे कर देंगे, हम जैसे ऐसे करेंगे देखिए हमारा ऑन हो जाएगा मोबाइल से, और इसको आप कहीं भी बैठे रख सकते हैं। ये तो हमारा छोटा सा सर्किट है, पर इसके ज़रिए ना समरसेबल जो गांव में होता है उसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लोग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये कॉस्ट मांगते हैं, कि थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कि आइडिया नहीं होने के कारण हमको कहते हैं कि आप कहीं भी कर सकते हैं, जबकि इसमें कुछ होता नहीं। देखिए हमारा नेट से कनेक्टेड है, यहाँ देखिए वाईफाई हमारा खुला हुआ है, और यहाँ पे देखिए दिखाएगा कि एक डिवाइस कनेक्टेड है,
ये देखिए एक डिवाइस हमारी कनेक्टेड दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये है। और उसके बाद ये देखिए पूरा कनेक्टिंग सिस्टम है, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए इधर मैं जैसे देख रहे हैं। अब इसको एलईडी के तार भी हमने किया, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप भी इसको करके देखिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप एक रिले ले लीजिए, ठीक है, रिले का नाम देख लीजिए आप। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इधर से हमारा डीसी आ रही पर जा रही है एसी, ठीक है। ये बाकी ये है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको हमें, बाकी यही है। आप थोड़े पैसे खर्चा करके और अगर आप नेट का जरिए इसको बनाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल चीज़ है। बड़ी बड़ी आईटीसी कंपनियाँ जो है इसको बना के हमसे लोग से पैसा लेती हैं 5-6 हज़ार रुपये, क्योंकि हमारे गांव में भी समरसेबुल पे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लगवाओ तो 5 हज़ार रुपये लगेगा, अब तो ज़्यादा ही लेंगे। तो ये देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आप बड़े लेवल में बनाओगे तो 1-1.5 हज़ार में बन जाएगा आपका। ये वाईफाई के जरिए देखिए हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं।